क्या आप ऐसा कर सकते हैं? मैं जानती हूँ आप में से बहुत लोग ऐसा बोलेंगे कि ये क्या है, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते यार, हमें तो छिपकली से डर लगता है, हम डरते हैं छिपकली से, हम ऐसा सोच भी नहीं सकते यार, हम तो दीवार पे एक छिपकली देख के डर जाते हैं, जरा सी एक छिपकली दूर, इतनी दूर भी होती है ना तो भी इतना डर जाते हैं यार, हम तो ऐसा कर भी नहीं सकते यार, ये है क्या? क्या आप जानते हैं छिपकली में कितना जहर होता है, कितनी जहरीली होती है छिपकली, एक चीज में गिर जाती है तो उसका जहर सारा फैल जाता है, यही कहेंगे ना आप? तो हाथ में कैसे कोई इस छिपकली को पकड़ सकता है यार, ये तो बड़ी अजीब बात है यार, क्या है क्या ये, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कुछ, यही सवाल चल रहे होंगे ना आपके मन में? तो चलिए सवालों के जवाब मैं आपको दे देती हूँ, आप में से कितने लोग मिड डे मील के बारे में जानते हैं? जितने लोग जानते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए मुझे। विद अ व्यू टू एनहांसिंग एनरोलमेंट रिटेंशन एंड अटेंडेंस एंड साइमल्टेनियसली इम्प्रूविंग न्यूट्रिशनल लेवल्स अमंग चिल्ड्रन, द नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन NPNSPE वॉज लॉन्च एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑन 15 अगस्त 1995। तो जो मिड डे मील है ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट द्वारा स्टार्ट की गई थी, ताकि जो बच्चे होते हैं गवर्नमेंट स्कूल के वो स्कूल आए। क्या आप जानते हैं भारत में इतने सारे सरकारी स्कूल हैं जिनमें से बच्चे सिर्फ मिड डे मील के लालच में आते हैं, उनके माँ बाप उन्हें मिड डे मील के लालच में मिलते हैं ताकि एक वक्त का खाना तो मिलेगा, बच्चे भी यही लालच लेके आते हैं खुश होकर कि मिड डे मील में कुछ अच्छा मिलेगा, खाएंगे और अच्छे से हम पढ़ाई कर पाएंगे, वरना भूखे पेट तो क्या पढ़ाई होती है यार। मिड डे मील के स्टार्ट होने के बाद से स्कूलों की अटेंडेंस, सरकारी स्कूलों की अटेंडेंस बहुत ज्यादा डबल ट्रिपल हो गई है, पहले तो बच्चे आते ही नहीं थे, अब खाने के लालच से बच्चे आते हैं स्कूलों में, पेट भरा हुआ होता है तो कम से कम पढ़ाई में मन तो लगता है उनका, माँ बाप कम से कम भीख मांगने के लिए तो नहीं बिठा देते ये सोच के कि एक वक्त का खाना मिलेगा, बच्चों को स्कूल भेजते हैं यार। यार उससे पहले ना मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, ये जो फोटो मुझे गूगल से मिली है ये कहाँ की है, क्या है ये, मतलब मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, आप लोग बताइए प्लीज, ये फोटो रियल है या फेक है या एडिटेड है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, आप लोग प्लीज मुझे बताना है कहाँ की है, ये है तो इंडियन ही कोई लग रहा है मुझे, बट आप प्लीज बताना मुझे। यार लोग तो छिपकली को इतनी दूर से देख के भी डर जाते हैं, तो ये तो छिपकली, इतनी सारी छिपकली इसके चेहरे पे बैठी हुई है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप लोग बताओ मुझे ये है कहाँ कहाँ की है प्लीज। छिपकली पता है कितनी जहरीली होती है, जरा सा अगर मरी हुई छिपकली किसी चीज में गिर जाए ना सारा उसका जहर निकल जाता है, किसी गर्म दूध में अगर छिपकली गिरती है कभी तो वो दूध जहर बन जाता है। छिपकली का स्ट्रक्चर तो आप में से बहुत लोगों को पता ही होगा कि कैसी दिखती है छिपकली, एक पूंछ कैसी होती है उसकी, धड़ कहाँ होती है, अम्लपद कहाँ होता है, नखर पशमपद कहाँ होती है, यार ये सब तो सबको पता। छिपकली का गिरना तक, किसी चीज पे गिरना भी बहुत अशुभ माना जाता है, कि अगर किसी इंसान के ऊपर छिपकली गिरती है तो कहा जाता है कि वो इंसान नहा ले फटाफट, क्योंकि उसमें जहर होता है। छिपकलियों को रेप्टाइल्स यानी कि जो जीव रेंगते हैं उस कैटेगरी में, उस श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि जो छिपकली है वो रेंग रेंग कर चलती है दीवारों पर, और छिपकली जो है इंसेक्ट्स को खाती है, जो दीवारों पे जो भी मक्खी मच्छर उसे दिखते हैं वो वही खाना पसंद करती है। तो चलिए जान लेते हैं कि आगे है क्या इस वीडियो में, गौर से देखिए जरा इन बच्चों को कैसे ये लाइनों में खड़े हैं सिर्फ मिड डे मील के लिए, कि एक वक्त का खाना कम से कम हमें मुफ्त में मिलेगा और हमारी जो है भूख मिटेगी। पढ़ाई में मन भी तो यार तभी लगता है ना जब हमारे पेट में खाना होता है, हमारा पेट भरा हुआ होता है, हमारी पेट पूजा हुई हुई होती है, उससे पहले पढ़ाई में क्या आपका मन लग सकता है? ऐसा भी होता है कि बहुत बच्चे तो सिर्फ मिड डे मील लेकर ही, आधे टाइम की मिड डे मील लेकर ही अपने घर लौट जाते हैं, ताकि वो और जाके अपने माँ बाप की सेवा कर सकें, भीख मांग के कुछ पैसे कमा सके। तो देखिए सिर्फ मिड डे मील के लिए बच्चे आते हैं, कम से कम आधी पढ़ाई आधे स्कूल तो वो अटेंड करते हैं, लेकिन आगे देखिए आप, लेकिन जब खाने में ही जहर होगा, खाने में ही जहर होगा, खाना ही पॉइजनस होगा तो क्या होगा यार? तो बच्चे बीमार पड़ेंगे यार, बच्चे मरेंगे, और ऐसा कई बार हो चुका है गवर्नमेंट स्कूलों की हिस्ट्री में, मिड डे मील्स में कभी छिपकली होती है, कभी कोई जीव होता है, कभी कुछ जहर मिल जाता है, कभी खाने के तेल में पेस्टिसाइड मिला हुआ होता है और उसी तेल से, पेस्टिसाइड वाले तेल से खाना बनता है, तो यार उसके लिए होगा क्या आगे? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? क्या इसके लिए बच्चे जिम्मेदार हैं जो वहां मिड डे मील में स्कूलों में जाके, गवर्नमेंट स्कूलों में जाके पहुंच जाते हैं कि हमें कम से कम एक वक्त का खाना तो मुफ्त में मिलेगा, पेट भरा हुआ होगा तो कम से कम पढ़ाई तो होगी? या जो खाना बनाने वाला, या जो खाना बनाने की जिम्मेदारी लेता है,
वो जिम्मेदार है? ये बात आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइए। पता है होता क्या है, जब हम खाना अपने लिए बनाते हैं या अपनों के लिए बनाते हैं, उसमें एक मक्खी भी गिर जाए ना, या एक बाल भी आके गिर जाए ना, तो हम उतने उसको अलग कर देते हैं, खाते नहीं है उस चीज को, या खाने के लिए देते नहीं है अपनों को। पर जब खाना दूसरों के लिए बनता है ना, और दूसरों के लिए बनवाते हैं या बनाते हैं, तब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होती, हम बस ऐसे ही बना देते हैं, हम ध्यान नहीं रखते बिल्कुल भी। फिर चाहे उसमें छिपकली गिरे या चूहा कट के गिरे, मक्खी मच्छर गिरे, धूल मिट्टी गिरे, लकड़ी वकड़ी, जो लोहा वोहा जो गिरे, कोई बात नहीं है यार, गिरने दो ना, जा रहा है हमारा, हमारी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमें तो पूरे पैसे मिल रहे हैं बनाने के, खाना बनवाने के, हमें क्या है, हमारे थोड़ा ना कोई खाएगा, हम थोड़ा ना खा रहे हैं उस खाने को, या हमारे अपने थोड़ा ना खा रहे हैं, तो जो हो रहा है होना, तो हमें क्या फर्क पड़ता है। और ये बात सिर्फ मिड डे मील की नहीं है, ये बात हर उस बनाने वाले की है या बनवाने वाले के लिए, जो अपने लिए या अपनों के नहीं बना रहा खाना। खाना तो दूसरों के लिए बनवा रहा है ना, तो उसे क्या फर्क पड़ेगा अगर खाने में कुछ गिर जाएगा, खाने में कुछ होगा, उसे कोई नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसके अपने नहीं मरेंगे, दूसरे मरेंगे। कई बार ऐसा देखने को हुआ है कि रेस्टोरेंट्स में लोग खाते हैं, इतने अच्छे अच्छे हाईली रेटेड रेस्टोरेंट्स में भी, ढाबेज में, या कभी कभी ऐसा होता है किसी रिलीजियस जगहों पे भी लोग जब खाते हैं, कुछ लंगर वगैरह होता है, कहीं प्रसाद बंटता है, तो उसमें भी कई लोग मर जाते हैं यार, क्योंकि वो जो खाना होता है भगवान के नाम पे बन रहा होता है, लेकिन वो दूसरों के लिए बन रहा होता है यार। जिस खाने को खा के लोग मरते भी नहीं है ना, बीमार नहीं भी पड़ते, उसमें भी वो खाना बिल्कुल अभी अच्छे तरीके से नहीं बना हुआ होता यार, वो ध्यान नहीं रखते बिल्कुल बनाने वाले कि हम क्या मिला रहे हैं क्या नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता यार, आप बीमार पड़े हैं आप मरे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको तो बस अपने पैसे कमाने से मतलब है। और यार ऐसा बहुत जगह देखा गया है, बहुत बार देखा गया है। आप भी जब आप लोग अपने लिए घर पे खाना बनाते होंगे, तो आप इस बात का बहुत ध्यान रखते होंगे कि उसमें एक मतलब मच्छर भी गिर जाए, मक्खी भी गिर जाए, एक बाल भी गिर जाए, तो आप उस चीज को बिल्कुल अलग कर देते हैं, बिल्कुल आप नहीं चाहते, बिल्कुल आप साफ चाहते हैं, साफ बर्तन धुले हुए, एकदम हर चीज में आपको साफ सफाई चाहिए, बिल्कुल भी आप गंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन जब खाना लोग दूसरों के लिए बनाते हैं ना, दूसरे बड़े बड़े लेवल पे खाना जब बनता है ना, तो वो उनके अपनों के लिए नहीं बन रहा होता है, वो बन रहा होता है दूसरों के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनमें, उसमें ऊपर से कोई छिपकली गिर जाएगी, कोई चूहा गिरेगा, कोई मेंढक गिरेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा उन्हें, रत्ती भर का फर्क भी नहीं पड़ेगा। इसमें मैं किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रही हूँ कि यार इसकी गलती है, पर ऐसा 90% इंडिया में होता है कि बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता, बाहर जब खाना बनता है तो कुछ भी कर देते हैं यार, कुछ भी। इस सब के बाद जब वो खाना वो खा लेते हैं, तो उसके बाद क्या होता है यार, लोगों के पेट में दर्द हो जाएगा, ज्यादा उसमें कुछ मिला होगा तो फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, बहुत ज्यादा ही कुछ जहर मिला होगा तो मर जाएंगे लोग यार। मतलब इतनी बार ऐसा देखा गया है इंडिया में, मतलब इंडिया में क्या बाहर भी ऐसा देखा गया है, मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ, कि शादियों का खाना खा लिया है, कुछ भंडारे का खाना है, कुछ भी खा लिया यार मर जा, क्योंकि जो शादियों में भी खाना बनता है वो दूसरों के लिए बन रहा होता है ना, तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि अच्छी से अच्छी बड़ी बड़ी शादियों में भी ऐसे चूहे छिपकली कट के गिर जाते हैं यार खाने पीने में लोगों के। गवर्नमेंट स्कूल में भी बनाने वाले लोग ध्यान नहीं देते हैं कि वो बस बस बच्चों के लिए बना रहे हैं, उसमें चाहे कुछ भी गिरे, वो नहीं ध्यान देते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ना होता, उनको बस अपना निकालना है काम। यार आखिरी में मेरी आप लोगों से बस यही गुजारिश है कि अगर आप खाना बनाने का काम करते हैं या बनवाने का काम करते हैं, आप जिम्मेदारी लेते हैं किस चीज की, तो आप उसको पूरी अच्छे तरीके से निभाएं यार, चाहे आप कम क्वांटिटी में बनाए, कम बनाए खाना, कम स्वादिष्ट बनाए, लेकिन यार ऐसे इंसिडेंट्स फ्यूचर में बिल्कुल नहीं होने चाहिए, प्लीज आप इस चीज की जिम्मेदारी लीजिए यार, आप ये समझ के बनाइए कि अपनों के लिए बना रहे हैं। और आखिरी में मैं आप लोगों के साथ ये डेटा शेयर करने वाली हूँ, जिसमें आपको पता लगेगा कि छिपकली गिरने की वजह से और खाने में और तेल में पेस्टिसाइड्स गिरने की वजह से इतने बड़े बड़े लेवल पे लोगों की इतनी डेथ्स हो जाती हैं, तो प्लीज़ ऐसा जान लेते हैं, हमें डेटा जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए, मैं पहले छिपकली गिरने की वजह से आपको बता देती हूँ, ये देखिए डिजर्ट फाउंड इन बिहार मिड डे मील, 50 स्टूडेंट्स फॉल इल, 30 स्टूडेंट्स फॉल इल। तो देखिए कितना ज्यादा हो चुका है यार, डेड लिजर्ड स्पेंड्स 40 चिल्ड्रन, तो बहुत ज्यादा हो चुका है यार। ये गवर्नमेंट स्कूलों में मिड डे मील में तो बहुत बार ऐसा रिकॉर्ड हो रखा है, क्योंकि मतलब इतने कम बजट पे लोग खाना बनाना चाहते हैं और जिम्मेदारी नहीं लेते हैं किस चीज की यार। ऑन 16 जुलाई 2020 एटलीस्ट 23 स्टूडेंट्स डाइड एंड डजन्स मोर फेल मिड डे मील में, बिहार स्कूल में पॉइजनिंग इंसिडेंट, ये तो बहुत ज़्यादा इसमें डेथ्स हुई थी, 2013 में हुआ था ये। दिल्ली में भी हो चुका है ऐसा, 11 डेड एंड सस्पेक्टेड राइज। तो यार ये देखिए, आप
लोग इस वीडियो को उतना शेयर कीजिए कि हर एक व्यक्ति जो बनाने का काम करता है खाना दूसरों के लिए, क्या बनाने की जिम्मेदारी लेता है, हर उस व्यक्ति तक वीडियो पहुंच सके।